दोस्तों, अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपने इस तरह के लिंक पे जरूर क्लिक किया होगा। ये बहुत छोटे से लिंक होते हैं, जैसे bit.ly/ के बाद छोटा सा रहता है। तो दोस्तों, ये सब लिंक क्यों बनाते हैं लोग, इससे क्या बेनिफिट होता है और अगर हमें बनाना होगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में पूरी अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है पूरा अच्छी तरह से तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं अनुटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है बिटली का लिंक और इसे लोग क्यों बनाते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे बिटली, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बिटली इज़ ए कंपनी, बिटली इज़ ए URL शॉर्टनर सर्विस एंड ए लिंक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो लिंक को, बड़े बड़े से लिंक को शॉर्ट करता है। जैसे आपका कोई यूट्यूब के चैनल का आप लिंक देखते होंगे कि वहाँ पे दिया होता है youtube.com/channel/ के बाद आपको वहाँ पे कोड मिलेगा लंबा सा, उससे अगर आप शॉर्ट करके आप बिटली में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये सर्विस देता है कि आप उसे शॉर्ट करके bit.ly/ करने के बाद छोटे से कोड में उसे कन्वर्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये खाली एक लिंक शॉर्टनर ही नहीं है, इसके साथ ही आपको उसमें ट्रैसिंग का सिस्टम दिया हुआ है कि जैसे आप उस लिंक को जहाँ जहाँ पे शेयर किए हैं, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या फिर मैसेज में, या फिर आप यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसे शेयर करते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ पे कोई क्लिक करता है तो उसे कितने लोग क्लिक किए हैं और कहाँ से क्लिक किए हैं, जैसे फेसबुक से क्लिक किए हैं कि इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से क्लिक किए हैं, ये सारे डिटेल आपको बिटली आपको देता रहता है और इसका लोकेशन भी आपको देता रहता है कि किस लोकेशन से क्लिक किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये सारे यहाँ उसमें सिस्टम आपको मिल जाएंगे। खाली ये लिंक शॉर्टनर ही नहीं है, इसके साथ ही आपको सारे डिटेल मिलते रहेंगे कि आप कहाँ से ये लिंक क्लिक किया गया और कितनी बार लोग आपको लिंक को क्लिक किए हैं, आपकी वेबसाइट को विजिट किए हैं। तो दोस्तों, ये होता है बिटली का यूज़। अब इसके बाद समझते हैं कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो आपको जाना है bit.ly.com पे। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, बिटली का साइट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे साइट ओपन करने के बाद देखिए दिया हुआ है कि गेट स्टार्ट फॉर फ्री। आप फ्री में आप कर सकते हैं या फिर आप इसमें प्रीमियम मेंबर भी कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसा बना सकते हैं, जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल हुआ अनुटेक, तो मैं anu.tech ऐसे भी बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप में पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप, जैसे मैं एक दिखा सकता हूँ, खाली आप लिंक शॉर्टनर यूज़ करना चाहते हैं कि खाली लिंक शॉर्ट करना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं खाली, तो यहाँ बिना साइनअप के, बिना लॉगिन के, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए फेसबुक का ये साइनअप पेज है, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ URL को, कंट्रोल सी करता हूँ, इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ कंट्रोल पी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। यहाँ पे जैसे ही आप शॉर्ट एंड पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने शॉर्ट एंड पे क्लिक किया, इसके बाद देखिए ये छोटा सा आपको बना के दे चुका है bit.ly, यहाँ पे छोटा सा ये बना दिया। जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ तो देखिए कॉपी मैंने कर लिया और यहाँ पे देखिए जैसे मैं पेस्ट करता हूँ ये इस लिंक को कंट्रोल भी, यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट किया और जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा ये वो बिटली का साइट नहीं ओपन होगा, आपको यही फेसबुक का साइट ओपन हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे खाली शॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप लिंक को शॉर्ट करने के साथ साथ उसे ट्रेस भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट फॉर फ्री, तो यहाँ पे देखिए आपको अपग्रेड योर लिंक, इसके साथ आपको मिलेगा कि $29 आप पे कीजिए, इसके बाद आपको मनपसंद डोमेन नेम भी चेंज कर सकते हैं, इसके बाद ब्रांडेड लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं गेट स्टार फॉर फ्री, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइनअप पेज मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पे गूगल अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से आपको साइनअप कर लेना है। तो दोस्तों, साइनअप करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा वेबसाइट का, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा लिंक शॉर्ट करना है यहाँ पे वो देगा। तो आपको जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट लिया है जो मेरा ब्लॉगर का वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, इसे पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देंगे तो पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही इसे बना चुका है, तो ऐसा आपको यहाँ पे देगा। या फिर इसे भी आप एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का किया हुआ है bit.ly/ के बाद अनुटेक लिखने पे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे देगा कि कितने लोग क्लिक किए हैं आपके वेबसाइट को या कितनी बार रीडायरेक्ट किए हैं आपके वेबसाइट पे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों, ये तो बिटली का है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। गूगल का भी है goo.gl, तो यहाँ पे वो अब गूगल ने हटा दिया है। बाकी आप कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।